Hi guys, welcome back to Class of Planning. You have Rahul Sharma, your friend and guide, and it's all about how you guys are going to prepare for your examination. अगर बात की जाए तो seriously this is all about IGNO examination जो आप लोग अभी December time में देने वाले हैं। अब यहाँ पे कई सारे doubts हैं, कई सारे questions students को बार बार आ रहे हैं कि सर ये बताएं, please आप ये message दीजिए, इसमें ये चीज बता दी, how do you deal with all these questions? तो यहाँ पे हम discuss करने वाले हैं कि paper की preparation करने के लिए कौन कौन सी दिमाग रखनी है and why preparing for December 2019 जो अब आने वाला है, जिसमें आपने एग्जाम देना है, एंड सीरियसली दोज हु आर गोइंग टू अटेम्प्ट फर्स्ट टाइम, जो पहली बार इग्नो का पेपर देने वाले हैं, वो प्लीज इन चीजों को दिमाग में रखें। एंड गाइस यू नीड टू रॉक दिस पेपर, कैसे, उसके सिंपल से टिप्स फॉलो करने आपने। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप जिस भी कोर्स में, सीरियसली इग्नो एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी है फॉर वर्ल्ड, अब यहां पे उसने कई सारे कोर्स कंटेंट दिए हैं, आपने कहा उन कोर्स कंटेंट में किसी भी कोर्स की बात करते हैं, अगर मैं उस कोर्स को लेके जा रहा हूं तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने कोर्स कंटेंट को समझना है। यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड योर कोर्स कंटेंट, क्या है कोर्स कंटेंट, उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, मींस दैट आई रियली नीड टू वर्क आउट ईच एंड एवरी फैक्टर दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड माय सिलेबस, मेरे कोर्स का सिलेबस मुझे ऑन टिप होना चाहिए। तो पहली चीज कंटेंट क्लैरिटी, आप सबसे पहले कंटेंट पे ध्यान देंगे, यू गाइस नीड टू क्लियर योर कंटेंट, आपका कंटेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंटेंट क्लियर नहीं तो हम किसी भी चीज को समझ नहीं पाएंगे। द सेकंड एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, आपको क्या करना है, आपको उसके प्रीवियस ईयर पेपर चेक करना है, मेक श्योर आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। फर्स्ट कंटेंट, सेकंड प्रीवियस ईयर पेपर्स, आई रिपीट प्रीवियस ईयर पेपर, जो भी स्ट्रीम, जिस भी स्ट्रीम से आप पेपर कर रहे हैं, चाहे आप एमए इंग्लिश कर रहे हैं, चाहे आप एमकॉम कर रहे हैं, चाहे आप एमए एजुकेशन कर रहे हैं, या बीबीए बीकॉम या कुछ भी, कोई भी पर्टिकुलर कोर्स आप कर रहे हैं, तो आपको वहां का कोर्स कंटेंट लेने के बाद सेकेंड काम करना है प्रीवियस ईयर पेपर निकालना है। और याद रखना यहाँ पे पैटर्न चेंज होता है, हर छह महीने के बाद पैटर्न चेंज होता है, और उस पैटर्न में भी दो से तीन साल के बाद इग्नो एक चेंज लेके आता है, आपको प्लीज ऑब्जर्व करना इस चीज को। फॉर मोर आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैं हमेशा पेपर से पहले वीडियोस डालता हूं कि कौन से टॉपिक आपको इस बार करने हैं। तो यहां पहला पॉइंट आ गया कंटेंट, दूसरा पॉइंट आ गया प्रीवियस ईयर पेपर, थर्ड वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर बेस्ट हेल्प बुक्स, आपके कोर्स रिलेटेड बेस्ट हेल्प बुक कौन सी है? अब दिमाग में कई सारी चीजें होती है, सर हमारे कोर्स रिलेटेड कौन सी बेस्ट हेल्प बुक्स होंगी, तो अगर इग्नो की बात किया तो मेयर पब्लिकेशन हमारे दिमाग आता है, सर पुली बाबा आता है या एक और पब्लिकेशन आया, तो मैं ये नहीं कह रहा था दीज आर द वर्स्ट बुक, सॉरी बेस्ट नहीं की मैंने, रीजन क्योंकि हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, इसलिए हम इनको चूज कर लेते, लेकिन यहां याद रखना कि आपके लिए बेटर ये होगा कि आप ग्रैब करें वो चीज जो आपको समझ में आए, अकॉर्डिंग टू माई ऑन परस्पेक्टिव बेस्ट बुक वो होती है जो मेरे को हर चीज क्लियर कर देती है, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। तो यहां पे आपने सबसे पहले दिमाग लगाना है कि आपको बेस्ट हेल्प बुक चाहिए, हेल्प बुक ऑलवेज बेटर, दोज आर नॉट टेकिंग ट्यूशन क्लासेस, दोज डोंट हैव द गाइड्स विद देम, तो वो हेल्प बुक से अपने आप को पूरी तरह प्रिपेयर कर लेते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपने दिमाग से साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो लोगों के दिमाग में डल गया या लोगों ने डाल दिया कि इग्नो इज द टफेस्ट यूनिवर्सिटी, और ये मार्क्स में होते हैं, यस There is no doubt that is the toughest and the best university, लेकिन marks नहीं देते, concept गलत है। तो दिमाग से please ये निकाल दीजिए कि इग्नो marks नहीं देती, इग्नो marks देती है definitely, कई सारे student है, come to my center, I'll show you my students जिनके 80 से ऊपर marks है, तो आप लोग इस concept को दे दीजिए कि आप easily marks ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ लिखने का तरीका, the way of writing को ध्यान रखना आपने। फर्स्ट कंटेंट क्लियर होना चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर वर्कआउट करेंगे, बेस्ट हेल्प बुक अपलोड करेंगे, देन मेक श्योर यू आर गोइंग टू मेक योर नोट्स। अब मैंने यहां पहले क्लियर दिया योर नोट्स, अगर आप खुद प्रिपेयर कर सकते हैं बेटर है, नहीं तो कहीं से ले लीजिए जहां से आपको नोट्स मिलते हो, बेस्ट होना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए, आप इजी ग्रैब कर सकते हैं। मैं सारे कोर्सेज को नोट्स प्रोवाइड नहीं कर पाता, हाँ कुछ लिमिटेड कोर्सेज के नोट्स तैयार करके मैं बच्चों को डेफिनेटली देता हूँ फ्रॉम लास्ट टू इयर्स, और रिजल्ट बहुत अच्छा है,
एंड आई बी वेरी ऑब्लाइज कि यार ये सब ठीक हो रहा है तो मैं बाकी कोर्स रिपोर्ट तैयार कर रहा हूं। अब यहां पे आपने कहा नोट्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नोट्स। आप नोट्स कैसे लेते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है, उसके लिए मेरे नंबर पे आप टेस्ट कर सकते हैं, आपको डिटेल मिल जाएगी। देन वी जंप टू द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। सही है, नोट्स दिखा रहे हैं यहां पे, आपको नोट्स का ध्यान रखना है कि इन नोट्स में कुछ काम आपका भी होना चाहिए। दैट यू गाइस नीड टू मेक योर ओन नोट्स। अब आप अपने नोट्स खुद तैयार करेंगे, क्योंकि जब आप नोट्स तैयार करना शुरू करेंगे तो आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। एंड देन नेक्स्ट वन दैट इज द रोल ऑफ असाइनमेंट्स। रिमेंबर प्लीज द रोल ऑफ असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स का एक बहुत डोमिनेंट रोल है एग्रो में। 100 में से 30% वेटेज असाइनमेंट्स की, जिसको आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है। पूरी 30% वेटेज असाइनमेंट के, और असाइनमेंट में आप 80-90 इजिली स्कोर कर सकते हैं। इजिली यू गाइस कैन स्कोर 80-90। तो प्लीज डोंट मिस दिस चांस। यहां पे जितना हो सकता है उतना बेस्ट वे कि आप असाइनमेंट्स पर ध्यान दें एंड मेक इट वेरी क्लियर कि मुझे असाइनमेंट्स कैसे करने हैं। एंड देन वी दोस हु आर हैविंग अ प्रॉब्लम मेकिंग असाइनमेंट्स, कि असाइनमेंट कैसे तैयार करें, क्या विषय होंगे, तो इनके लिए एक वीडियो जल्दी मैं अपलोड करने वाला हूं। डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देन कम अप टू द नेक्स्ट फेज। दिसंबर की बात करें, 2019 अभी आने वाला, और फर्स्ट टाइम जो पेपर दे रहे हैं उनके लिए क्या जरूरी है, तो पहले क्लियर करना, एक आइडियाज करना, आपका कोई भी कोर्स करना, किसी भी कोर्स की बात कर रहे हैं तो उस कोर्स रिलेटेड आप पूरी डिटेल निकालें कि मेरे कौन कौन से पेपर हैं, किन पेपर्स में सबसे ज्यादा एफर्ट करनी है। नहीं तो अपने सीनियर से बात कीजिए, प्लीज टॉक टू योर सीनियर्स। और गाइड्स, यहां गाइड्स आपके ट्यूशन टीचर्स हो सकते हैं, आपके लेक्चरर्स हो सकते हैं, कहीं ना कहीं अगर आप सोचते हो तो मैं भी हो सकता हूं कि आप अपनी हेल्प दे सकते हैं। यहां पे आप बात करें, अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करें कि सर यहां ये प्रॉब्लम, यू आर नॉट एबल टू कॉप दिस, तो इस पे कैसे काम करें, किन चीजों को ध्यान रखना है, और हम मैक्सिमम मार्क्स कैसे ले पाएंगे। तो अभी तक आपने देखा 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिर्फ दो चीजों, क्योंकि सिर्फ 8 का पैक है, जिसको करने के बाद हम ये पेपर बहुत इजीली क्रैक करेंगे। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है जिसको हमें रोड करना है, प्रिपेयर योरसेल्फ बिफोर पेपर। पेपर से पहले खुद को प्रिपेयर करो। रीजन क्या है कि कई लोग कई सालों के बाद कोर्स कर रहे हैं, मतलब कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने मास्टर शुरू किए या कोई दूसरी एजुकेशन दोबारा शुरू किए आफ्टर लॉन्ग गैप इन एजुकेशन, ठीक है, अब उनको लिखने की प्रैक्टिस नहीं रही। यस आई डू नो कि आप कभी एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग थे, इसको मत भूलें प्लीज, और आज और थे में बहुत फर्क होता है, तो आपको आज से प्रैक्टिस करनी शुरू होगी। यहाँ पे इट्स बेटर टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, हमेशा बेटर होगा कि जितनी अर्ली प्रिपरेशन शुरू करो उतना रिजल्ट ओरिएंटेड होगा आगे के लिए। तो गाइस दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि आपको अपनी प्रिपरेशन अभी शुरू कर देनी, जितनी जल्दी प्रिपरेशन शुरू करोगे उतना बेटर होगा। तो यहां पे आ गया हमारा दैट इज सेल्फ स्टडी, दैट इज की फॉर दिस अटेम्प्ट। आपने बोला 2019 की बात करें दिसंबर में और हमें 70 से ऊपर मार्क्स लगाने हैं, तो सर प्लीज सबसे ज्यादा स्ट्रेस आप देंगे सेल्फ स्टडी के ऊपर। सो हियर वी आर हैविंग सेल्फ स्टडी एंड देन वी कम टू द लास्ट पॉइंट दैट इज रियली द इंपॉर्टेंट वन। आपने कहा सर लास्ट में बात की जा रही है तो किस पॉइंट की बात करेंगे, कौन सी चीज आएगी। ऑलमोस्ट हमने सब कर लिया, कोर्स कंटेंट हमें पूरा क्लियर है, जान चुके हैं, प्रीव्यू से पेपर आपके हिसाब से हमने कहा देख लिया, हमने ऑब्जर्व करिए पेपर कैसा आएगा, उसका पैटर्न हम जान गए। बेस्ट हेल्प बुक्स हमने मार्केट में सारी देखी, जो हमें समझ में आई हमने वो लिख ली। देन नोट्स, सर हम नोट्स ले चुके हैं, अगर जो आपके कोर्स थे हमने वहां से नोट्स ले लिए। देन वी कम टू द असाइनमेंट। सर असाइनमेंट के क्वेश्चन को प्लीज रूल आउट करना ना भूलें, कि असाइनमेंट के क्वेश्चन ही पेपर में कहीं नहीं आते। देन टॉक टू योर सीनियर्स एंड गाइड, किसी तरह सजेशन चाहिए हो। एंड देन वी कम टू द सेल्फ स्टडी एंड द लास्ट दैट इज आवर सैंपल पेपर्स, मॉक टेस्ट सीरीज। कोई भी मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए प्लीज। Guys, you would all need to join any mock test series. किसी एक test series को join करो जो आपके लिए आगे helpful होगी। बट
जिस भी एग्जाम जिस भी कोर्स की बात करो वहां की टेस्ट सीरीज कहीं ना कहीं ज्वाइन कीजिए, चाहे वो आपको यूट्यूब मिल जाए आपको या आपके तो हमारे कोई सेंटर है वहां पे हम ज्वाइन कर सकते हैं, वी कैन ज्वाइन एनी लेक्चर जो हमें मॉक टेस्ट पेपर दे देंगे तो आपके लिए बेटर होगा। तो नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज द टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके आप अपने आप को ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट व्हाट वी रियली वांट, हमें क्या चाहिए और हम कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो सबसे इजी कॉन्सेप्ट चीजों को समझना, पेपर की प्रिपरेशन करते हुए हमें पता होना चाहिए हम पेपर कैसे देंगे, पेपर करने का तरीका क्या होगा, किन किन बातों को दिमाग में रखना है। And I know guys that you all are going to follow these. और जब आप इन सबको follow करते हैं तो I'm sure that you're going to score good. For more, you need to like, share and subscribe. You think it's worth to watch and share. Catch you very soon with a new video. Bye guys.